नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग दंपति को तेज रफ्तार एसयूवी कार ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, इस पूरी घटना की ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई और इस घटना में जो बुजुर्ग दंपति मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था उनमें से पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है और एसयूवी कार की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि 28 अगस्त की सुबह 6:45 पर ये बुजुर्ग दंपति मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जिसके बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। कार ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को फोन किया और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने उस बुजुर्ग दंपति को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान हीरालाल की मृत्यु हो गई। वहीं उनकी पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आपको बता दें, पुलिस फरार कार ड्राइवर और एसयूवी गाड़ी की सीसीटीवी की मदद से छानबीन में जुट गई है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने हीरालाल के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही अज्ञात कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरास की मदद से गाड़ी के नंबर का पता लगा रही है, ताकि नंबर की मदद से आरोपी ड्राइवर तक पहुँचा जा सके। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग दंपत्ति आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहा है और पत्नी आगे आगे चल रही है और पति पीछे से। तभी पीछे से सफेद रंग की कार आती है और दंपत्ति को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। ये घटना का वीडियो काफी दिल दहला देने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।